BC, this square, आप इन्हें मिला दीजिए, वो भी एक हमारा जो है OAB ट्रेंगल बन गया, और OAB ट्रेंगल होने से दिस कोण A इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस A हमारा 90 डिग्री होने से अब ये इस ट्रेंगल में पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई की जा सकती है। पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करने में ट्रेंगल OAB में कोण A इक्वल टू 90 डिग्री, देन पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आर इसको लिख सकते हो OB इक्वल टू 1 स्क्वायर नहीं, या OB इक्वल टू अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB और अरे OA स्क्वायर देन 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर देन अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 OB की वैल्यू क्या मिल गई, अंडर रूट 2 हो गई। OB की वैल्यू जब अंडर रूट 2 हो जाती है तो इनको इसको जो है हमको लाइन नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए हम नंबर लाइन खींचते हैं। नंबर लाइन खींचने से मिड में जीरो लिखते हैं, यहाँ 1 units 1, 2 units 2, 3 units 3, 4 units 4 एंड देन -1, -2, -3, -4 हो जाता है। इसके बाद 1 यूनिट्स के स्क्वायर बने आए हैं, 1 यूनिट का स्क्वायर बना लीजिए आप, यहाँ पर 1 यूनिट का स्क्वायर बना देते हैं हम लोग। 1 यूनिट का स्क्वायर यहाँ पर ए हो जाता है, ये बी है, ये सी है, दिस मिला देते हैं इसको, ये कितनी हो गई रूट टू। अब जब यह रूट टू हो जाता है तो रूट टू होने के बाद हम लोग अपने सेट स्क्वायर से जहाँ पर ये अपने प्रकार ले लें, प्रकार में ये दूरी ले लेते हैं, प्रकार में इतनी दूरी लेकर और हम इसको एक कर्व बनाते हैं, एक चौप बनाते हैं, कर्व बनाते हैं। ये कर्व इस प्रकार से ऐसे गिरता है, यानी इसको हम सर्किल में ले जाएंगे तो हम सर्किल में ले जाएंगे तो आप देखिए इस तरह से बनेगा, इस तरह सर्किल बनेगा, न कि हमको सर्किल नहीं बनाने हैं, हमको एक केवल कर्व बनाने हैं। इस कर्व को ले जाने पर यहाँ पर पॉइंट्स आते हैं, यहाँ ये गिरता है यहाँ पर, और हम इसको क्या मान लेते हैं पी, इसको हम एक पी मान लेते हैं। आपने इसको वन माना था, ये पी माना था। अब जीरो से ले ओ से लेके, ओ से लेके ये पी की जो डिस्टेंस हुई है वही डिस्टेंस हो जाती है रूट टू, और हम रूट टू को यहाँ पर लोकेट कर देते हैं। रूट टू को अगर हम डिसमिल पॉइंट में निकालते हैं तो 1.41 रूट टू इक्वल टू 1.416 आता है, ऐसे करके आता है 1.41। तो 1.1 के बाद आगे चौथा हिस्सा थोड़ा ये और इधर ही गिरेगा, बल्कि ये चाप यहीं आएगा, ये आपका बन जाता है चाप। ओपी के बीच की दूरी यहाँ से ओपी, देन यहाँ ओपी बराबर हो जाता है लंबर लाइन पर वो रूट टू। इस प्रकार से हम लोग लोकेट करते हैं, इस प्रकार से हम लोग इसको लोकेट करते हैं रूट टू को। सेम सिस्टम में अगर हमको रूट थ्री को लोकेट करना हुआ, अगर रूट थ्री को लोकेट करना हुआ यहाँ पर, तो आ जाइए उसको भी देख लीजिए रूट थ्री को। मैं आपको इसका फिगर, सिस्टम का फिगर डाल दूंगा वीडियो पर, आप उन फिगर्स को देख लीजिएगा। अगर हम रूट थ्री को दिखाते हैं इस लाइन रेखा पर, तो इस प्रकार के स्क्वायर को सेट करने में ये ओबी की बीच की दूरी तो हुई ही हुई, अब आप रूट थ्री को लोकेट करने में यहाँ जीरो मध्य में आप बीच में आपने शून्य मान लिया है, यहाँ से 1 यूनिट्स, यहाँ 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, वैसे ही -1, -2, -3 हो जाते हैं इधर। आप इस पर एक एक स्क्वायर सेट के रूप में 1 यूनिट के मान यहाँ ले आए और आप इसको ले लीजिए।
अब आपकी ये दूरी कितनी हुई है, ये 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 डिस्टेंस कितनी थी यहाँ के उठा करके, रूट टू हो गया। मान लीजिए ये ओ है, यह ए है, यह बी है। अब आपका ये डिस्टेंस वन ही है, आप वन डिस्टेंस का यहाँ से भी एक ए एक वन डिस्टेंस की आप यूँ खेल लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वन स्क्वायर का आप सिस्टम में यूँ बना लीजिए। पर होता क्या है कि यहाँ भी आप स्क्वायर के सिस्टम में ही ले आएंगे तो परपेंडिकुलर हिसाब से आप यहाँ पर ओ आप यहाँ पर ले जाएंगे बी, और यहाँ पर आप मान लीजिए इसको डी मान लीजिए, ये वन ही हुआ। आप इसको मिला लीजिए, अब जब आप इसको मिला लेंगे यहाँ पर ये आपके 90 डिग्री पे हो गए। फिर हमारा वही ही स्वाब हुआ बाय पाइथागोरस प्रमेय, अप्लाई पाइथागोरस प्रमेय से जब इसको अप्लाई करेंगे रूट थ्री के लिए, तो अब यहाँ देखिए आप ओडी स्क्वायर इक्वल टू आप क्या करेंगे बी डी स्क्वायर आप प्लस ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ओडी बराबर हो जाएगा अंडर रूट रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, इसी प्रकार अंडर रूट टू आप प्लस वन बराबर अंडर रूट थ्री। ये आपकी जो 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 दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी रूट थ्री। अब ओडी बराबर रूट थ्री, ओडी बराबर अपने आप प्रकार सेट में ये डिस्टेंस लेने के उपरांत ओ को सेंटर मान लीजिए, और ओ को सेंटर मानकर पुनः एक कर्व बनाइए, और ये कर्व जब बनाएंगे ये कर्व आपका यहाँ गिरेगा, यहाँ कर्व गिरेगा क्योंकि ये सर्किल बन जाती है ऐसे। तो ये जो दूरी होगी ओ से लेकर के यहाँ तक इस और इसका कर्व जो गिराते हम तो यहाँ गिरता, ये पी पर गिरता, ये कहाँ गिर रहा है क्यू से, ओ से क्यू की दूरी जो होगी डिस्टेंस होगी वही आपके रूट थ्री को इस नंबर लाइन पर लोकेट करेगी। इस प्रकार से हम लोगों ने रूट टू और रूट थ्री का लोकेशन जान लिया है, रूट थ्री और रूट टू का लोकेशन इस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे। रूट टू में केवल वन फिगर्स होंगे, इसके साथ हम इस नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर लेंगे। रूट थ्री के लिए इसी की सहायता से इसी की हेल्प से हम आगे का काम करेंगे और रूट थ्री का लोकेशन प्राप्त हो जाएगा। अब हम आपको होमवर्क के रूप में इस केवल एक क्वेश्चन देते हैं, रूट फाइव का लोकेट रूट सेवन ऑन द नंबर लाइन, और आपको इसका फोटो भी दे देंगे रूट टू और रूट थ्री का, आप उन्हें हल कर लीजिएगा फोटो की सहायता से, और प्लस इन्हें आप होमवर्क के रूप में हल करिएगा। धन्यवाद।